हेलो एवरीवन, मेरी आज की जो कहानी है वो आपको सबसे बड़ी शिक्षा देगी कि हमें एक टीम की तरह काम करना चाहिए। आप सबने कहानी सुनी होगी, कहानी का नाम था खरगोश और कछुए की रेस। दोनों में रेस होती है और आखिरी में कछुआ जीत जाता है। ये कहानी का एक पार्ट है, लेकिन मेरी जो कहानी है उसमें एक पार्ट नहीं है, उसमें बहुत सारे पार्ट हैं और हर एक पार्ट आपको एक नई शिक्षा देगा। मेरी कहानी में जो किरदार है वो एक कछुआ है और एक बकरी है। दोनों में बहस हो जाती है कि कौन तेज दौड़ सकता है। बहस हो जाती है, दोनों लड़ते हैं, कुछ नहीं सोल्यूशन निकलता। आखिरी में क्या बोलते हैं कि चलो एक रेस हो जाए। दोनों फैसला करते हैं और रेस के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे ही रेस शुरू होती है, बकरी आपको पता है कि बहुत तेज दौड़ती है, एकदम से आगे निकल जाती है, बहुत आगे निकल जाती है। और तब आगे जाके वो क्या सोचती है कि कछुआ तो बिल्कुल आराम आराम से आएगा, क्यों ना पेड़ के नीचे आराम कर लिया जाए। वो पेड़ के नीचे आराम करती है और उसकी आंख लग जाती है। इतने में पीछे से कछुआ आता है, रेस कंप्लीट कर लेता है। कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि जो हार्डवर्क करता है, जो पेशेंस रखता है, वो हमेशा जीतता है। अब बकरी रेस हार चुकी है। बकरी को पता था कि वो रेस जीत सकती है, उसमें कैलिबर है। आप खुद सोचिए कि आप किसी काम को कर सकते हैं, लेकिन गलती से कुछ ऐसा हो जाए कि आप वो काम ना कर पाओ, आप उस काम में कुछ गलती कर दो, तो क्या आप कुछ चैन से बैठ पाओगे? आप चैन से तो बैठ नहीं पाओगे। आपको क्या होगा कि दोबारा इस काम को करना है और इस बार ठीक करना है। तो चलिए जी, बकरी दोबारा कछुए के पास जाती है और जाके बोलते कि चलो कोई बात नहीं, तुम जीत गए, एक रीमैच हो जाए, दोबारा से हम रेस लगाएं। कछुआ मान जाता है। अब बकरी के दिमाग में है कि इस बार रुकना नहीं है, इस बार सोना नहीं है। दोनों रेस लगाते हैं, बकरी बहुत तेज दौड़ती है और रेस जो है कंप्लीट कर लेती है। कहानी की क्या शिक्षा मिलती है कि जो तेज होता है, जो जल्दी काम करता है, वो हमेशा जीतता है। ये मेरी कहानी का दूसरा पार्ट है, एक नई शिक्षा। अब कछुआ हार गया। अब कछुए को शांति नहीं है कि पहले जीता अब हार गया। तो कछुआ दोबारा से दिमाग लगाता है कि कुछ ऐसा किया जाए कि बकरी को हराया जाए। ऐसे तो बकरी को हरा पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि बकरी बहुत तेज दौड़ती है, वो हरा नहीं पाऊंगा। कछुआ आइडिया बनाता है, प्लान बना लेता है और दोबारा बकरी के पास जाके बोलता है कि चलो तुम जीत गए, अच्छी बात है, कि चलो एक मैच और हो जाए, हम दोनों एक मैच हो, एक आखिरी रेस भी लगा ही लेते हैं। बकरी मान जाती है, बकरी को पता है कि वो जीत जाएगी, लेकिन कछुए के प्लान को नहीं जानती है। दोनों रेस लगाना शुरू करते हैं। बकरी एकदम से, उसके दिमाग में वही है पहले वाली बात कि रास्ते में रुकना नहीं है, रेस कंप्लीट होने के बाद ही रुकना है। दोनों रेस लगाना शुरू करते हैं। बकरी तेज भाग करके एक नदी के किनारे पहुंच जाती है क्योंकि कछुए ने जो रास्ता अब की बार बनाया है, उस रास्ते में बीच में एक नदी भी आती है। अब बकरी वहां जाके रुक जाती है, आसपास देखती है कोई नहीं है, ब्रिज भी नहीं है, पुल भी नहीं है पार करने के लिए, अब परेशान खड़ी है वहां पे, क्या करे। इतने में पीछे से कछुआ आता है, नदी में डुबकी लगाता है और नदी पार करके रेस कंप्लीट कर लेता है। अब कछुआ जीत गया। कहानी क्या शिक्षा मिलती है? इस पार्ट से शिक्षा यही मिलती है कि जो काम आप अच्छे से कर सकते हो, जिस काम में आपको पता आप गलती नहीं करोगे, उसी में अपना ध्यान लगाओ। मीन्स फाइंड योर इनर स्ट्रेंथ। चलिए जी, तीन पार्ट, तीन शिक्षा। अब चौथा जो पार्ट है, फोर्थ पार्ट है। अब दोनों ने इतनी रेस एक साथ लगा ली, दोनों दोस्त बन जाते हैं और वो उसके बाद एक टीम की तरह काम करते हैं। दोनों फिर फैसला करते हैं कि चलो एक रेस और लगा ली जाए, लेकिन इस बार रेस थोड़ा अलग है। दोनों रेस पॉइंट पे आते हैं, रेस लगाना शुरू करते हैं, लेकिन होता क्या है, इस बार बकरी कछुए को अपनी पीठ पे बिठा लेती है और बकरी भाग करके जल्दी से नदी किनारे पहुंचती है। जब वो नदी किनारे पहुंचती है तो कछुआ पीठ से नीचे उतरता है, फिर बकरी को अपनी पीठ पे बिठा के नदी पार करता है। इस बार रेस जो कंप्लीट हुई, कम टाइम में भी हुई, जल्दी भी हुई और अच्छे से भी हुई। तो शिक्षा क्या मिली कि जो आदमी, जो पर्सन, जो स्टूडेंट टीम वर्क में काम करता है, वो कभी अनसक्सेसफुल नहीं होता। एक पर्सन चाहे कितना ही ब्रिलियंट है, कितना ही इंटेलिजेंट है, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है, लेकिन अगर वो पर्सन टीम वर्क में काम करता है, टीम की तरह काम करता है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। टीम में काम कीजिए, तभी तो कहते हैं एकता में शक्ति होती है। मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।